आज रियासत कर्नाटक में वहाँ की आवाम ने जो फैसला दिया कांग्रेस पार्टी के हक में वो काबिल मुबारकबाद है। मैं रियासत कर्नाटक की सारी आवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इजहार तशक्कुर करता हूँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर किस्म के हथकंडे वहाँ पर इस्तेमाल किए, लेकिन कर्नाटक के जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ गौर किया। खासतौर पर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में रहने वाले उन गरीब अफराद के जो गैस सिलेंडर्स के रेट बढ़ा दिए गए और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल का रेट भी जो बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से महंगाई आसमान को छू रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सभी कायदीन ने, खासतौर पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही जज्बात के साथ वहाँ पर मुसलसिल काम किया और साथ ही साथ उनके रियासती वज़रा ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद तो रियासत कर्नाटक की आवाम ने बहुत ही संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ आज हिंदुस्तान की सेकुलर जमात कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते इस बात का सबूत दिया कि हिंदुस्तान भर में सेकुलरिज्म के बगैर इस मुल्क की तरक्की बहुत ही मुश्किल नज़र आती है। और साथ ही साथ आज के इस मौके पर मैं पिछले दिनों जो वाकया कर्नाटक में पेश आया था, हमारी बहन मुस्कान ने इस किस्म का एहतजाज किया था हिजाब के ताल्लुक से, वहाँ के बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी और दीगर लोगों ने बहुत ही सख्त एहतजाज किया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी बहन ने उनका डटकर मुकाबला किया और इसके बाद से वहाँ के जो वज़ीर तालीम रहे उन्होंने मुसलसिल वहाँ के कर्नाटक के स्टेट के सभी स्कूलों में कॉलेजेस में हिजाब के खिलाफ आवाज़ दी, लेकिन वहाँ की आवाम ने बहुत ही सदीकी का मुजाहरा किया। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दो साल के दौरान हिजाब पहनने वाली हमारी बहनों ने हज़ारों की तादाद में अपनी तालीम से महरूम रहे। जिस किस्म का जज्बा, जिस किस्म का गुस्सा हमारी बहनों ने आज ख़ास तौर पर कर्नाटक रियासत में अपने सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए जिस किस्म का फैसला लिया, मैं वहाँ के सभी बहनों और भाइयों माओं का तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सेकुलर जमात कांग्रेस पार्टी के अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसी तरह से कर्नाटक की रियासत ने बहुत ही दूरंदेशी का फैसला करते हुए खासतौर पर हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मोहतरम राहुल गांधी जी के साथ साथ कर्नाटक के सारे कांग्रेस पार्टी के कायदीन और यहाँ हमारे तेलंगाना से वाबस्ता हमारे सदर साहब जनाब रेवंत रेड्डी साहब और दीगर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने रियासत कर्नाटक में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाने के लिए अपने अपने अंदाज से सख्त मेहनत की, जिसके लिए मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में रियासत में इख्तियार बनाने के लिए काम किया। मैं आखिर में फिर एक मरतबा रियासत कर्नाटक के सभी वोटर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सेकुलरिज्म के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बरसरे इख्तियार लाए। बहुत बहुत शुक्रिया।